हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू अनदर एपिसोड ऑफ 100 डेज सर्वाइवल इन रेड फॉरेस्ट। सो गाइस, पिछले वाले वीडियो पे गाइस मैंने टेम किया था अपने लिए ये पैरासोर को, और ये बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। बेरीज बहुत ही ज़्यादा बेरीज फार्म कर लेता है ये, मुझे दूर दूर जाना नहीं पड़ रहा है बेरीज के लिए। और गाइस, आज के वीडियो में गाइस मैं अपने बेस को शिफ्ट करने वाला हूँ यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड है एरिया, और मैं हो चुका हूँ लेवल 27 का और डे चल रहा है 7 पे। ठीक है, तो ये है डे नंबर 7 और मैंने काफ़ी कुछ यहाँ पे अनलॉक करके रखा है ऑलरेडी, जैसे कि स्मिथ, फाइनिंग फोर्स और सबसे इम्पोर्टेंट मेटल का टूल्स। तो पहले तो मुझे बनाना पड़ेगा एक रिफाइनिंग फोर्स को, और उस पर मेटल स्मेल्ट करके मैं बनाऊंगा अपने लिए एक मेटल का हैचेट, और हैचेट बनाने के बाद मुझे रिसोर्सेज कलेक्ट करना है। यार बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए मुझे, और थोड़ा सा मीट भी ले लेता हूँ, भूख तो लगने ही वाला है फार्मिंग करने पर। तो देखो बस, मैं बेस बनाने वाला हूँ यहाँ ऊपर की साइड पे, और नीचे वाला वो टनल को मैं छोड़ने वाला हूँ वहाँ पे। और यहाँ पे देखो, ये एरिया बहुत ही अच्छा है। अगर मैं इस साइड पे बड़ा वाला गेट लगा के बंद कर दूँ ना, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ सकता है अंदर की तरफ, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्सटेंड भी कर पाऊंगा बाद में। और यहाँ पे एक, ये देखो एक छेद है बीच, तो इसको भी ब्लॉक करना पड़ेगा। तो चलो गाइस, पहले मैं रिसोर्सेज फार्म कर लेता हूँ। सो गाइस, फाइनली मैंने रिसोर्सेज कलेक्ट कर लिया है, और अब बना सकता हूँ मैं अपने लिए एक रिफाइनिंग फोर्स को, और इसको प्लेस करूँगा मैं ऊपर की तरफ, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे एकदम दिमाग लगा के बनाना पड़ेगा यहाँ पे, वरना बाद में दिक्कत हो जाएगा, मैं सीलिंग प्लेस नहीं कर पाऊँगा ना बाद में। तो फाउंडेशन को एकदम परफेक्टली प्लेस करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, अभी के लिए यहाँ पे थेच का फाउंडेशन मैं लगा रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर रखना है मुझे ये रिफाइनिंग फोर्स को, क्योंकि मुझे बनाना है एक हैचेट। और मेरे पास मेटल तो था, मेटल नीचे की तरफ में होगा, मैं मेटल लेके डाल देता हूँ अंदर रिफाइनिंग फोर्स पे। सिर्फ 16 है मेटल, तो थोड़ा फार्म करके डालना पड़ेगा, वरना कुछ भी नहीं। एक हैचेट बनना है मुझे वैसे तो, पिकैक्स तो ऑलरेडी है, और ये डैमेज हो जाएगा ना बाद में, तो रिपेयर भी तो करना पड़ेगा। इसके लिए भी एक्स्ट्रा मेटल ले लेता हूँ मैं। भाई ये नहीं है। तो गैस मैंने 46 मेटल लेके आ चुका हूँ मैं, तो इसको वेट करता हूँ, इसको स्मेल्ट करने के बाद स्मिथी बनाना पड़ेगा एक। सो गैस मैंने स्मिथी बना लिया है अपने लिए, और अब फाइनली मैं बना सकता हूँ एक हैचेट। तो ये फालतू का स्टोन का मैं ड्रॉप कर देता हूँ, ये किसी भी काम का नहीं, बहुत ही स्लो फार्म करता है। लेकिन नहीं यार, इसको भी रख देता हूँ मैं स्मिथी पे, क्योंकि इसने बहुत साथ दिया है मुझे। तो वैसे मैंने बहुत सारा स्टोन वुड फार्म कर लिया है, और
देखो फार्म कर करके मैंने यहाँ पे इतना तो बना लिया, लेकिन अब स्टोन का काम है, यहाँ पे मेन एक बड़ा वाला गेट प्लेस करना है मुझे। इस साइड पे एकदम ब्लॉक कर दूंगा मैं, लेकिन पहले जुगाड़ करना पड़ेगा। यहाँ पे छोटा सा गैप, इसको मैं पहले बंद कर देता हूँ। तो अब प्लेस करना पड़ेगा यहाँ पर, एकदम परफेक्टली प्लेस हो गया ये, जो इस साइड पे तो हो गया। और ये दूसरी साइड पे भी, यहाँ पे देखो यार एकदम परफेक्टली प्लेस हो गया ये। तो मैंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे ऐसे एकदम प्लेस कर पाऊँगा मैं, लेकिन देखो एकदम मिडल में प्लेस हो गया ये बहुत ही परफेक्टली। लेकिन ऊपर की तरफ छोटा सा रह गया, वहाँ पर भी अगर प्लेस हो जाता ना तो और भी अच्छा लगता है देखने में। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने अपने लिए दोनों साइड से सील कर दिया है, तो यहाँ पे कोई भी वाइल्ड लाइन वहाँ के दिक्कत नहीं देगा मुझे। लेकिन वो एक है ना गाइस, थाई क्या बोलते, वो आके बार बार दिक्कत दे रहा है मुझे, टेरर बॉट, तो उससे तो मुझे यहाँ पे छुटकारा मिल जाएगा। और थोड़ा सा मेटल है, इसको भी यहाँ पे डाल देता हूँ। और नीचे मुझे मेरा थोड़ा सामान है, यहाँ पर भी पड़ा हुआ है, बेड वगैरह भी है, इन सबको मैं ऊपर ही शिफ्ट करने वाला हूँ। तो बस मैंने सब कुछ ले लिया है, अपना जितना भी सामान था, और अपना पैरासोर को भी लेके चलता हूँ मैं ऊपर ही। ये रहेगा यहाँ पे एकदम सेफली। अगर मैं दूर चला गया ना गाइस अपने बेस से, तो टेरर बोर्ड वगैरह आके मारने लगता है मेरा डायनोस को। इसका एचपी भी लो कर दिया था, तो अब उस वो वाले टेंशन से छुटकारा हो गया अभी। तो यहाँ पे मैं जितना मेरा सामान है एक यहाँ पे बॉक्स पे डाल देता हूँ। मोटर एंड पिस्टन और बैट को, बैट तो इम्पोर्टेंट है, अगर मैं मर गया तो रेड फॉरेस्ट से दूर स्पॉन हो जाऊंगा। ये लग गया अपना पेट, स्मिथी और फॉर्ज भी हो गया। और इसको मैं वुड है सारा का सारा, ये फाउंडेशन में इसको बाद में स्टोन का कर दूँगा। स्टोन का होने के बाद बहुत और भी अच्छा लगेगा ये। अपना पैरासोर के लिए भी ये छोटा सा एकदम मस्त घर यहाँ पे हो गया है, ये आराम से रहेगा यहाँ पे। इसको मैं और भी एक्सटेंड करूँगा यहाँ पे सीलिंग वगैरह लगा के, लेकिन मुझे पहले और लेवल अप करना पड़ेगा, क्योंकि मिली डैमेज बढ़ाना पड़ेगा, फार्मिंग बहुत ही कम हो रहा है। तो गाइस आज के वीडियो पे इतना ही गाइस, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो टेक केयर एंड गुड बाय गाइस।